इन्फेक्टिव एपिडेमियोलॉजी वो हम पहले भी कर चुके हैं कि इट इज अ बेसिक साइंस ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन और सोशल मेडिसिन की एक बेसिक साइंस है, उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एंड एपिडेमियोलॉजी इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ टू स्टडी डिजीजेस इन कम्युनिटी। कम्युनिटी के बीच में डिजीजेस को स्टडी करने के लिए एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, टू एक्वायर नॉलेज फॉर हेल्थ केयर ऑफ सोसाइटी, जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं डिजीज का, कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज को और ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं डिजीजेस में। नेक्स्ट है हमारा एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। ये जो है ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, वेयर दीज एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और मेथड्स आर अप्लाइड इन। दीज कैन बी अप्लाइड इन क्लिनिकल रिसर्च, डिजीज की प्रिवेंशन में, हेल्थ की प्रमोशन में, हेल्थ की प्रोटेक्शन में और हेल्थ सर्विसेज की रिसर्च में इन अ गिवन पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द रिजल्ट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज आर आल्सो यूज्ड बाय अदर साइंटिस्ट्स। ये जरूरी नहीं है कि हम एपिडेमियोलॉजिस्ट या फिर जो क्लिनिशियंस हैं, फिजिशियंस हैं, वही यूज करते हैं, और भी लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हेल्थ इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उनके भी यूज में आ सकती है ये स्टडीज, हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट जो होते हैं उनके भी, और हेल्थ सर्विस मैनेजर्स ये भी यूज कर सकते हैं इस इन स्टडीज को। नेक्स्ट है मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी, क्रॉनिक डिजीज एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी, ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी, कैंसर एंड न्यूरो ऑल्सो, ये सब मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी के ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ये मिस्टर जॉन एम ने दी थी। इसमें है द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। इनको इन्होंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने इलेबोरेट भी किया है कि जो वर्ड एपिडेमियोलॉजी है वो फर्स्ट वो एक ग्रीक वर्ड है, तो ये इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक एपी, देन डेमोस एंड लोगोस। लोगोस मीन स्टडी, स्टडी अपॉन पीपल। ठीक है, पीपल के ऊपर जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। इसमें है फर्स्ट है जैसे इसकी डेफिनेशन में फर्स्ट स्टडी। अब हम इसमें स्टडी क्या कर रहे हैं, दिस स्टडी बेसिकली इंक्लूड्स द सर्वेलेंस, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनालिटिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स। ये जो भी हैं ये सारी स्टडीज के अंडर आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ टाइम, पर्सन, प्लेस एंड क्लासेस ऑफ पीपल दैट आर इफेक्टेड। मतलब कोई डिजीज हुई है वो किस टाइम पे हुई है, किन लोगों को हुई है, कहाँ पे हुई है, पर्टिकुलर कौन सी क्लासेस ऑफ पीपल जो इफेक्ट हुई हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आएंगी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मतलब जो डिटर्मिन कर रहे हैं इसको, दीज इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ, जस्ट लाइक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं हमारे, केमिकल डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, सोशल डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, मतलब ये सारे कॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं डिजीज के लिए बेसिकली। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट्स। दिस रेफर्स टू हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स क्या होंगी, कोई बीमार है या फिर कोई ठीक है या फिर किसी की डेथ हुई है, उसके कॉज क्या है, ये सब हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स में आएगा। दिस रेफर्स टू डिजीजेस, कॉजेज ऑफ डेथ, बिहेवियर्स सच एज यूज ऑफ टोबैको, पॉजिटिव हेल्थ स्टेट्स, reactions to preventive regimes and provision and use of health services, ये सारे health related states में आ जाएगा। Next है specified population। specified population कौन सी होगी, this includes those with identifiable characteristics such as occupational groups, जो भी जिसके अंदर जो भी identifiable characteristics मिल रहे हैं उस population को specified population कहेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू दिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, द एम ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द हेल्थ। सो ये इससे पहले जो डेफिनेशन थी इसी को इन्होंने एक्सप्लेन कराया, आगे एक्सपेंड करा बेसिकली।
नेक्स्ट है अल्टीमेट एम क्या है हमारा एपिडेमियोलॉजी का, टू एलिमिनेट, अगर हम एलिमिनेट एलिमिनेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी पूरी सोसाइटी की हेल्थ को और वेलबींग को प्रमोट करना, ये भी एक अल्टीमेट एम है. तो ये दो मेन एम्स हैं इस एपिडेमियोलॉजी के, कि एक तो आप जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कम्युनिटी में उसको रिड्यूस करना, उसको ख़त्म करना बिल्कुल, और जो भी हेल्थ है इन सोसाइटी एज अ होल, पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करना. ओके, ये दोनों इसके एम हैं, मेन एम्स हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन, इन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी थ्री तीन इसमें डिवाइड किया इन्होंने, टू बेसिकली टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड डिजीज प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन. सो इट्स मेन एम इज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड, जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसी ह्यूमन पॉपुलेशन में, कुछ भी कोई भी डिजीज हो रही है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी मैग्नीट्यूड, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है वो या कम हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, इस इन सब के बारे में डिस्क्राइब करना, वो एक एम है इसका एपिडेमियोलॉजी का. ओके, नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज. अब वो डिजीज़ जो है वो क्यों हो रही है, जो भी उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो भी कॉजिटिव फैक्टर्स हैं या फिर रिस्क फैक्टर्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना, वो भी इसका एक एम है, एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एम है इसका टू प्रोवाइड डाटा, वो एक डाटा प्रोवाइड करती है, एपिडेमियोलॉजी से एक डाटा मिलता है जो कि इस चीज़ के लिए असेंशियल होता है हमें, टू प्लान इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट द सर्विसेज, जो भी हम हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक जैसे हमारा मलेरिया में हो गया कुछ, मलेरिया जब हुआ था उस टाइम पे, या फिर जो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस हुई थी उस टाइम पे, जो कुछ कुछ डाटा प्रोवाइड किया था जिसकी वजह से उन्होंने प्लान किया था कि विटामिन ए जो है वो हम कैसे आगे देंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया था और देन उसको इवेल्युएट किया था उन सर्विसेज को, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट जो ब्लाइंडनेस, जो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है. ठीक है, सो टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड सेटिंग प्रायोरिटीज अमंग दोज सर्विसेज. नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्होंने बताया है. डिस्ट्रीब्यूशन से पहले है कि ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट एक ही डेफिनेशन मानते हैं, पर उनके मेन जो तीन कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सब में कॉमन है. वो कौन से हैं, स्टडीज ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, ये तीन चीज़ें ऑलमोस्ट सभी मानते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा डिजीज की फ्रीक्वेंसी, स्टडी ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी. तो डिजीज फ्रीक्वेंसी हम कैसे मेजर करते हैं, रेट से, रेशो से या प्रपोर्शन से. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई डिजीज आपको कितनी फैल रही है, वो कितनी तेजी से फैल रही है, जल्दी फैल रही है, कम फैल रही है. जैसे आजकल कॉमन कोल्ड है या फिर कोविड है, ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम डिजीज और डेथ की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं. डिजीज की फ्रीक्वेंसी को मेजर जब करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, मॉर्बिडिटी रेट. ओके, और जो डेथ की फ्रीक्वेंसी को हम करते हैं मेजर तो उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं. तो दीज रेट्स आर एसेंशियल फॉर कंपेयरिंग डिजीज फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन में उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए उस डिजीज को, ये डिजीज फ्रीक्वेंसी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है. सच कंपेरिजन्स मे यील्ड इम्पॉर्टेंट क्लूज टू डिजीज इटियोलॉजी, डिजीज के कॉज के लिए ये सच कंपेरिजन्स आर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है हमारा दिस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज जो है मेनली अकर्स इन अ पैटर्न. सो डिजीज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, वो यूनिफॉर्मली नहीं है एक ह्यूमन पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इट अकर्स इन पैटर्न्स इन अ कम्युनिटी.
एंड द पैटर्न्स मे लीड टू जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट कॉजिटिव या फिर रिस्क फैक्टर्स. अब ये पैटर्न्स क्या हैं? सो इन एपिडेमियोलॉजी वी स्टडी दिस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स इन वेरियस सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन बाय टाइम प्लेस एंड पर्सन. ठीक है, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं बेसिकली एग्जामिन करते हैं क्या वेदर देयर हैज बीन एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द डिजीज ओवर टाइम स्पैन. मतलब वो पर्टिकुलर टाइम में वो डिजीज की फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है. ठीक है, ये एग्जामिन करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है प्लेस की, वेदर देयर इज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डिजीज इन वन जियोग्राफिक एरिया देन अदर्स. जैसे आप ले लीजिए जीका वायरस, जीका वायरस जो है वो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया वहाँ पे ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे कम इफेक्ट हुआ था, लाइक दिस. ठीक है, तो वो एपिडेमियोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं कि बेसिकली वो प्लेस का भी रोल होता है इसमें कि बेसिकली द वेदर देयर इज अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डिजीज इन वन जियोग्राफिकल एरिया देन अदर्स. नेक्स्ट है हमारा पर्सन. पर्सन मतलब कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप या फिर कोई पर्टिकुलर, जैसे आप मेन ले लीजिए, वीमेन ले लीजिए, उसमें डिजीज किसको ज़्यादा हो रही है. सो एपिडेमियोलॉजिस्ट बेसिकली एग्जामिन्स वेदर द डिजीज अकर्स मोर ऑफन इन मेन और वीमेन या फिर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, किसी बच्चों में ज़्यादा हो रहा है या फिर जो एडल्ट्स हैं उसमें ज़्यादा हो रहा है या बूढ़ों में ज़्यादा हो रहा है, वो सब इसके पर्सन में आ जाएगा. पैटर्न इसका जो पर्सन का पैटर्न है. नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ही आपको डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं. डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी वो बेसिकली आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो डिस्क्राइब कर रहा है. सो इट इज ऑब्वियसली डिस्क्राइबिंग समथिंग. तो वट इज डिस्क्राइबिंग? इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डिजीज. एपिडेमियोलॉजी में बेसिकली हम डिजीज के बारे में ही मतलब कि वो कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो उसमें डिजीज में हम क्या देख रहे हैं? सो दीज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर यूजुअली द फर्स्ट फेज ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. दीज स्टडीज आर कंसर्न्ड विद ऑब्जर्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज और हेल्थ रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देन आइडेंटिफाइंग दीज करेक्टरिस्टिक्स विद विच द डिजीज इन क्वेश्चन सीम्स टू बी एसोसिएटेड. सो इसमें ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो सच स्टडीज बेसिकली आस्क दिस क्वेश्चंस लाइक व्हेन इज दिस डिजीज अकरिंग, मतलब उसके टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ओके, नेक्स्ट वेयर इज इट अकरिंग, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसकी. नेक्स्ट हु इज गेटिंग द डिजीज, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो ये सब इसके डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंडर आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज क्या है, मतलब आइडेंटिफाइंग द कॉज एंड रिस्क फैक्टर फॉर द डिजीजेज. सो एक यूनिक फीचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइन कॉज और रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज. इसी में ही हमारा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी भी आ जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू डिस्क्रिप्टिव स्टडीज दैट बेसिकली लुक एट एंटायर पॉपुलेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जो हैं वो एंटायर पॉपुलेशन में देखती हैं, बट इन एनालिटिकल स्टडीज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली द इंडिविजुअल विद इन द पॉपुलेशन. वो पूरी जैसे जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है उसमें वो पूरी पॉपुलेशन को देख रहे हैं, एंटायर पॉपुलेशन. बट यहाँ पे एनालिटिकल स्टडी में उसका जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेसिकली सिर्फ सारी पॉपुलेशन नहीं है बट मेनली एक इंडिविजुअल है. सो द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू फॉर्मुलेट बट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती है इसमें. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी. इसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कॉजेशन ऑफ डिजीज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरवेंशंस. फर्स्ट है हमारा कॉजेशन ऑफ डिजीज. अब कॉजेशन ऑफ डिजीज बिफोर लुईस पाश्चर, तो पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि सुपर नेचुरल थ्योरी ऑफ डिजीज मतलब क्या कॉज करता था. पहले वो सुपर नेचुरल थ्योरी चलती थी, उसके बाद लुईस पाश्चर ने क्या इन्वेंट करा कि नहीं, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है, यानी कि डिजीज एजेंट है कोई, वो मैन को इफेक्ट कर रहा है, देन उससे डिजीज हो रही है.
तो वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है। पर जर्म थ्योरी की अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप ट्यूबरक्लोसिस को ले लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो हर एक इंसान में फैले जो कि उसको एक्सपोज हो रहा है उस पर्टिकुलर उस एक्सपोजर में है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस एजेंट जो है वो उसमें है, उस एनवायरनमेंट में है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई इफेक्ट होगा। मेनली कौन इफेक्ट होते हैं इसमें, जो अंडर नरिश्ड और ससेप्टिबल पर्सन होते हैं वही मेनली इसमें होते हैं। तो फिर सो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स रिलेटिंग टू द होस्ट एंड एनवायरनमेंट विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन वेदर और नॉट डिजीज विल अकर इन द एक्सपोज होस्ट। नेक्स्ट हमारा मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन भी बताया था कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं डिजीज कॉज करने के लिए। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल बिहेवियर्स होते हैं लाइक दिस। सो मोस्ट ऑफ डिजीजेस आर बेसिकली कॉज्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि डायबिटीज जेनेटिक भी होती है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायबिटीज के लिए। नेक्स्ट पर्सनल बिहेवियर्स, उससे भी कॉज होते हैं डिजीज, जैसे कि स्मोकिंग ले लीजिए आप, उससे सीओपीडी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एपिडेमियोलॉजी इज यूज्ड टू स्टडी देयर इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस थ्रू हेल्थ प्रमोशन। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कॉजेशन ऑफ डिजीज, जेनेटिक फैक्टर्स गुड हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे बिहेवियरल फैक्टर्स हैं कुछ, वो भी गुड हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं और उससे इल हेल्थ हो रही है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, एपिडेमियोलॉजी इज आल्सो कंसर्न विद द कोर्स एंड आउटकम ऑफ द डिजीज इन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। सो इट बेसिकली सिग्निफाइज द वे इन विच डिजीज इवॉल्व्स, मतलब वो कैसे इवॉल्व हो रही है वो डिजीज, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में वो सब इसमें देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में। इट सिग्निफाइज द वे इन विच अ डिजीज इवॉल्व्स ओवर टाइम फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ इट्स प्री पैथोजेनेसिस फेज टू इट्स टर्मिनेशन और रिकवरी और डेथ इन एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ईच डिजीज हैज़ इट्स ओन यूनिक नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ नॉट नेसेसरली द सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स। सो एनी जनरल फॉर्मुलेशन एट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज नेसेसरी। नेक्स्ट इसमें बताया कि पहले गुड हेल्थ थी, फिर कुछ सब क्लिनिकल चेंजेस हुए, फिर क्लिनिकल डिजीज हुई, फिर उससे या तो डेथ हो गई या फिर रिकवरी हो गई। अगर डिजीज हुई है तो अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है तो रिकवरी हो गया, और ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, एपिडेमियोलॉजी इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। हेल्थ स्टेटस कैसा है पॉपुलेशन में उसको डिस्क्राइब करती है एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट knowledge of the disease burden in populations is essential for health authorities. Health authorities के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि disease का कितना burden है population में। जैसे आजकल tuberculosis है, tuberculosis के लिए फिर से programs शुरू हो रहे हैं क्योंकि tuberculosis फिर से काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो ये सब knowledge जो है वो health authorities के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। So, to use limited resources to the best possible effect by identifying priority health programs for prevention and care. Next है evaluation of interventions. अब interventions तो कर लिए हमने, like जो भी हमने, to evaluate the effectiveness and efficiency of health services. हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं हम, अब उसको इवेल्युएट भी तो करना है हमने, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, दिस मीन्स डिटरमिनिंग थिंग्स सच एज इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के लिए कहा गया था, तो इसमें हम कैसे हम इवेल्युएट करेंगे
कि पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है कि नहीं, वो सारा डाटा देख करके कि कितनी नंबर ऑफ डेथ हो रही है, कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहा है, वो सब डाटा देख करके पता लगेगा। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ सैनिटेशन मेजर्स टू कंट्रोल डायरियल डिजीजेस। किसी पर्टिकुलर एरिया में डायरियल डिजीजेस जैसे कि कॉलरा हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, ओके, ये सारी डिजीजेस हो रही हैं, तो वहाँ पे सैनिटेशन मेजर्स लिए गए तो उसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे। नेक्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग लेड एडिटिव्स इन पेट्रोल। अब यहाँ पे इवेल्युएशन कैसे करेंगे हम? इल हेल्थ से गुड हेल्थ पे जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट एंड मेडिकल केयर दिया तब गुड हेल्थ की तरफ है। नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन और प्रिवेंटिव मेजर्स और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की वजह से गुड हेल्थ की तरफ है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी। अप्लाइंग दिस एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी। सो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी बेसिकली क्या है? इट इज द साइंस ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट इंडिविजुअल पेशेंट्स। क्लिनिकल से ही आप समझ रहे होंगे कि इंडिविजुअल पेशेंट्स के ऊपर क्या हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो उसके बारे में एक साइंस है ये, ठीक है। सो द क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट इंडिविजुअल पेशेंट्स बाय काउंटिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लिनिकल इवेंट्स इन सिमिलर पेशेंट। सो यूजिंग प्रोस्पेक्टिव स्टडीज टू एंश्योर दैट द प्रिडिक्शंस आर एक्यूरेट। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ। प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रोमोटिंग हेल्थ पहले ही पढ़ चुके हैं हम। कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट, प्रायोरिटी सेटिंग। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ क्लिनिकल डिजीजेस। इवेल्युएटिंग द हेल्थ इंटरवेंशन एंड अदर प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स। अब एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। पब्लिक हेल्थ क्या है? पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू कलेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ बेसिकली इट रेफर्स टू कलेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव द पॉपुलेशन हेल्थ। पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी कलेक्टिव मेजर्स हम लेते हैं उसको पब्लिक हेल्थ कहते हैं। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज वन ऑफ दीज टूल्स। जो भी कलेक्टिव एक्शंस हम कर रहे हैं सो ये एक एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज वन ऑफ द टूल्स फॉर इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ। इट इज यूज्ड इन सेवरल वेज। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन। इन स्लाइड्स में बेसिकली आपको एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन के बीच में डिफरेंस बताया जाएगा। सो क्लिनिकल मेडिसिन में यूनिट ऑफ स्टडी क्या है? एक पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर पेशेंट। और एपिडेमियोलॉजी में यूनिट ऑफ स्टडी क्या है? डिफाइंड पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन एट रिस्क, होल पॉपुलेशन। जैसे जो पॉपुलेशन है वो एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं और क्लिनिकल मेडिसिन में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? पर्टिकुलर एक केस या फिर एक पर्टिकुलर पेशेंट। सो इन क्लिनिकल मेडिसिन द यूनिट ऑफ स्टडी इज अ केस, बट इन एपिडेमियोलॉजी द यूनिट ऑफ स्टडी इज डिफाइंड पॉपुलेशन और पॉपुलेशन एट रिस्क, ओके। नेक्स्ट, जो फिजिशियन इज कंसर्न विद द डिजीज इन इंडिविजुअल पेशेंट। जो क्लिनिकल मेडिसिन में है, जो क्लिनिकल मेडिसिन में क्या होता है, जो फिजिशियन है वो बेसिकली ही इज कंसर्न विद द डिजीज इन इंडिविजुअल पेशेंट। बट एपिडेमियोलॉजिस्ट, इन एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद डिजीज पैटर्न इन एंटायर पॉपुलेशन। डिजीज का क्या पैटर्न है पूरी पॉपुलेशन में, उससे कंसर्न है एपिडेमियोलॉजिस्ट। सो द एपिडेमियोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद बोथ सिक एंड हेल्दी। फिजिशियन जो है वो तो सिर्फ एक इंडिविजुअल पेशेंट और मतलब वो सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं, बट एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो सिक और हेल्दी दोनों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन क्लिनिकल मेडिसिन द फिजिशियन सीक्स टू डायग्नोसिस
फॉर विच ही डेराइव्स प्रोग्नोसिस एंड प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट. मतलब कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे क्लिनिकल मेडिसिन में, फिजिशियन कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे जिसकी वजह से वो कोई प्रोग्नोसिस बना सकेंगे डिजीज का और फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकेंगे. पर एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट इज कन्फ्रंटेड विद द रेलेवेंट डाटा डेराइव फ्रॉम पर्टिकुलर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी. कम्युनिटी डायग्नोसिस, वो बेसिकली कम्युनिटी डायग्नोसिस होगा यहाँ पे. नेक्स्ट, ही सीक टू आइडेंटिफाई द एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो ही सीक्स टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इटियोलॉजिकल फैक्टर टू डिटरमिन द फ्यूचर ट्रेंड, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स. सो बेसिकली जो क्लिनिकल मेडिसिन में फिजिशियन है वो तो मेनली डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह रन करेंगे, बट जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, क्या कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कहाँ से आया है इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, थ्रू एयर फैल रहा है, वो कैसे फैल रहा है. ओके, नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं उसके, और टू डिटरमिन द फ्यूचर ट्रेंड्स आगे क्या होगा उसमें, प्रिवेंट कैसे करेंगे उस डिजीज को, और कोई भी कंट्रोल मेजर्स क्या ले सकते हैं, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट बताते हैं. नेक्स्ट है इसमें, इन क्लिनिकल मेडिसिन पेशेंट कम्स टू द डॉक्टर, और एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट गोज टू द कम्युनिटी टू फाइंड आउट द डिजीज पैटर्न एंड सस्पेक्टेड कैजुअल फैक्टर्स इन द क्वेश्चन. सो क्लिनिकल मेडिसिन में क्या होता है, बेसिकली पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आता है. अब आप फिजिशियन हैं तो फिर आपके पास पेशेंट आएगा, आप पेशेंट के पास खुद नहीं जाएंगे, पर एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो कम्युनिटी में जाते हैं और उस डिजीज के पैटर्न को देखते हैं और वहाँ पे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसको सस्पेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, बेसिकली आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग कंपैरिजंस. पहले क्वेश्चंस आस्क करेंगे फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे. आस्किंग क्वेश्चंस, अब इसमें कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स एंड रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन. व्हाट इज द इवेंट, हेल्थ हेल्थ इवेंट्स से मतलब कि इवेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है बेसिकली. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, कितना ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है. वेयर डिड इट हैपन, कहाँ पे हो रहा है. व्हेन डिड इट हैपन, कब हो रहा है, कब से हो रहा है, कब हुआ. ठीक है, हु आर इफेक्टेड, कौन इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप इफेक्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नेक्स्ट, व्हाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ ये. नेक्स्ट, आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन, हेल्थ एक्शन क्या कर सकते हैं हम, तो व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए कोविड को ले लीजिए, ठीक है. व्हाट इज द इवेंट, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या शुरू हुई थी सबसे पहले, क्या बोलते हैं उसको, निमोनिया हो रहा था सबसे पहले. व्हाट इज द इवेंट, निमोनिया हो रहा था. मैग्नीट्यूड क्या था उसका, कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था, है ना. और व्हेन डिड इट हैपन, हु आर इफेक्टेड, और व्हाई डिड इट हैपन, ठीक है. व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस दिस कोविड, आप हैंड वॉश करिए बार बार, मास्क ले लीजिए, ठीक है, मास्क लगाइए, ये सब कर सकते हैं टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. हाउ कैन बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे, बाय टेकिंग वैक्सीनेशन, है ना. और व्हाट एक्शंस शुड बी टेकन बाय कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या कर सकती है इसमें, आप मास इवेंट्स जो हैं वो मत करिए, भीड़ में मत जाइए, ठीक है. व्हाट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए इसके लिए, हाउ एक्टिविटीज टू बी ऑर्गेनाइज, व्हाट डिफिकल्टीज में अराइज, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. एपिडेमियोलॉजी इज अ मीन्स ऑफ लर्निंग बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्ड दैट लीड टू फर्दर क्वेश्चंस. सो दीज क्वेश्चंस कैन बी रेफर टू एज केस डेफिनेशन, मतलब व्हाट हैज हैपेंड, पर्सन हु इज इफेक्टेड, प्लेस वेयर इज इट अफेक्टेड, इन टाइम When did it happen? Next, causes. क्यों हुआ ये? ये questions हो सकते हैं. Next है, making comparisons. पहले
एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में हमने पढ़ा पहले आस्किंग क्वेश्चन देन मेकिंग कंपैरिजन. अब टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट कंडीशंस बिटवीन टू ग्रुप्स, टू ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है. इट गिव्स क्लूज टू इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस. नेक्स्ट है बेसिक मेजरमेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी. उससे पहले है डिफाइनिंग हेल्थ एंड डिजीज डेफिनेशन. हेल्थ की डेफिनेशन क्या बताई है WHO ने 1948 में. हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी कि हेल्थ जो है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. मतलब सिर्फ डिजीज नहीं है उसको ही हेल्थ नहीं कह सकते, बट जो कंप्लीट स्टेट है इसकी फिजिकल वेलबिंग की, मेंटल वेलबिंग की, सोशल वेलबिंग की, उसको हम हेल्थ कह सकते हैं, उस पर्सन को हम हेल्दी कह सकते हैं. दिस डेफिनेशन बेसिकली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज द डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग एंड मेजरिंग द वेलबिंग. अब हम वेलबिंग को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया. सो the World Health Assembly resolved in 1977 that all people should attain a level of health permitting them to lead socially and economically productive lives by the year 2000. ये last lecture में भी बताया था आपको health for all by 2000. Next है आपका practical definitions of health and diseases are needed in epidemiology. Which concentrates on the aspect of health that are easily measurable and amendable to improvement. So, epidemiological में हमें कुछ practical definitions ही चाहिए जो कि simple हो. So, definitions of health states used by epidemiologists tend to be simple. क्या है? जैसे disease present और disease absent. Disease है या फिर तो वो health है, healthy है, और अगर disease है तो फिर वो healthy नहीं है, और अगर disease है नहीं है तो फिर वो healthy है. ओके, नेक्स्ट है देयर इज ऑफन नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. खास नहीं है इसमें. मेजरिंग द डिजीज फ्रीक्वेंसी. अब इंसिडेंस इन प्रिवलेंस. डिजीज की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इंसिडेंस और प्रेवलेंस आता है. दीज आर बेसिकली द फंडामेंटली डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग डिजीज फ्रीक्वेंसी. तो इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंस ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ अकरेंस ऑफ न्यू केसेस अराइजिंग इन अ गिवन पीरियड इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन. बट प्रेवलेंस क्या है? इट इज द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस, ओल्ड प्लस न्यू. ठीक है, इंसिडेंस जो है वो न्यू केसेस जो भी अराइज हो रहे हैं. ठीक है, और प्रेवलेंस क्या है? एग्जिस्टिंग केसेस मतलब जो पहले हो चुके हैं और जो न्यू हैं, वो दोनों. ठीक है, सो प्रेवलेंस इज द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड प्लस न्यू इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम. इंसिडेंस क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. इसको हम कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग गिवन पीरियड अपॉन पॉपुलेशन ऑफ रिस्क इनटू 1000. ये आपको फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना पड़ेगा. नेक्स्ट है प्रेवलेंस. प्रेवलेंस क्या है? इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड प्लस न्यू इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड स्पेसिफाइड टाइम स्पेसिफाइड पीरियड. तो प्रेवलेंस क्या है? टोटल नंबर ऑफ केसेस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट दैट टाइम इनटू 100. इंसिडेंस में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रेवलेंस में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस. प्रेवलेंस क्या है? इंसिडेंस इंटू मीन ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज ऑफ डिजीज. सो जैसे प्रेवलेंस को हम पी से लेंगे, आई को हम इंसिडेंस को हम आई से लेंगे, और मीन ड्यूरेशन ड्यूरेशन को हम डी से लेंगे.
जैसे इंसिडेंस जो है वो 10 केसेस है पर 1,000 पॉपुलेशन, ये मतलब पर 1,000 लोगों में 10 केसेस आ रहे हैं पर ईयर, ठीक है, ये न्यू केसेस हैं। नेक्स्ट है डी, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना है? 5 ईयर्स का। तो प्रेवलेंस सिंपल है, आई इंटू डी, इंसिडेंस हमारा है 10 केसेस, 10 × 5, तो 50 केसेस पर 1,000 पॉपुलेशन आ जाएगा हमारा प्रेवलेंस, ठीक है। इंसिडेंस कितना आ गया? 10 केसेस पर 1,000 पर ईयर, एंड प्रेवलेंस आ जाएगा हमारा 50 केसेस पर 1,000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रेवलेंस जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पॉइंट प्रेवलेंस एंड पीरियड प्रेवलेंस। इस स्लाइड से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके।